નમસ્તે આદાબ સત શ્રી અકાલ કેમ છો તમે મજામાં ને કશે આહત તુમી મજેત ના મેં વૈશાલી ઉબલીકર ઓર મેરી ચેનલ મેં આપ સબકા એઝ યુઝ્યુઅલ બહોત બહોત સ્વાગત હૈ આજ મેં સિખાને જા રહી હું ઇંગ્લિશ કા બાલ ભારતી કા સ્ટેન્ડર્ડ 7 કા લેસન નંબર જો હૈ 3.2 કમ્પેર અ પ્રોગ્રામ તો ભાઈ क्या है ये प्रोग्राम किस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में आप लोगों के जब एनुअल डेज वगैरह होते हैं या कोई कंपटीशन होता है कोई प्रोग्राम होता है तो किस तरह से सामने आकर माइक के ऊपर लोग कुछ बात करते रहते हैं तो ये क्या तरीका होता है बात करने का क्या उसके रूल्स होते हैं किस तरह से हमें बातें करनी चाहिए सामने वाले के साथ ये सारा प्रोग्राम जो है ना उसके बारे में इन्होंने इस लेसन में आप लोगों को बताया हुआ है तो भाई ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना कि हम लोग खाली ऑडियंस ही बन के बैठे रहे और खाली सुनते रहे दूसरे लोगों का ऐसे तो नहीं होता है क्या नहीं हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि हम लोग भी उस जगह पर जाए और सामने हम लोगों को लोग देखे है ना और फिर अगर ऐसा मौका आप लोगों को मिल भी गया समझो तो आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि किस तरह से आप लोगों को प्रोग्राम जो होता है वो हैंडल करना होता है तो इसी के बारे में है आज का ये आपका लेसन 3 तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं 3.2 कंपेयर अप प्रोग्राम गेटिंग रेडी फॉर द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इट इज अ प्लेजर फॉर मी टू वेलकम You all to this festive occasion. तो आप लोगों को इस हमारे joyful occasion के लिए welcome करते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है pleasure यानी खुशी महसूस होना तो सबको good morning करते हैं ना हम लोग normally program में तो ऐसे Please take your seats. Please आप अपना seats ले लीजिएगा May I request you to keep your mobile switch off और ऑन साइलेंट मोड क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप आपके जो मोबाइल फोन है ना उन्हें या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर आप लोग उन्हें साइलेंट मोड में डाल दीजिएगा लेट अस रिंग इन टू द मैरी मूड ऑफ यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस तो अभी ये जो भी हमारे यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जो अभी आप लोग देखने वाले हैं जो मजे लेने वाले हैं वो उसका मजा लीजिएगा आप लोग जिस मूड में आप लोग आए हैं तो एंड फॉरगेट अवर प्री ऑक्यूपेशंस और अपने सारे पहले के जो भी काम काज है उन्हें सब भूल जाइएगा एंड रिंगटोन फॉर द टाइम बीइंग और आपके मोबाइल के रिंगटोन्स को भी भूल जाइएगा सब भुलाकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय कीजिए ठीक है एंड ओवरऑल हम लोग उन्हें ये बता रहे है अराइवल ऑफ द डिग्निटरीज अभी जो भी हमारे गेस्ट्स है इम्पोर्टेंट पर्सन जो है उनका आगमन हुआ ओके आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द डिग्निटरीज हैज अराइव्ड तो हमारे जो मेहमान है आज के खास मेहमान हमारे चीफ गेस्ट जो है वो आ गए हैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड प्लीज आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए I request our head girl, Miss Shubhda Murarka, to escort the dignitaries to the dais. तो मैं हमारी जो head girl है Miss Shubhda Murarka, उसे मैं request करती हूँ कि ये जो हमारे dignitaries है हमारे जो chief guest है उन सबको with respect dais यानी स्टेज के ऊपर ले आए उसे डायस भी कहते हैं ठीक है तो डिग्निटरीज लोगों को यहां पर ले आए ओके तो अभी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम अभी प्रोग्राम में जो जो भी मेहमान लोग आए हुए हैं जो जो भी मेन लोग आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी ओके हॉनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन आज के फंक्शन के जो हॉनरेबल बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो
ऑनरेबल यानी कैसे वो सम्मानित रिस्पेक्टेड बोलते ना हम लोग वैसे, तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टूडेज फंक्शन, सबसे पहले उनको उनका उनके बारे में बताएंगे, फिर एंड एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रीनोन श्री चारू दत्ता दीवान, प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी। अभी जो चारू दत्ता दीवान आए हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी। श्री अवधूत पाठक, अवर प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शैला सिंह, ऑल अवर इनवाइटेड गेस्ट्स, जिन्हें भी हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है वो गेस्ट्स, मेहमान लोग, पेरेंट्स जो भी आप लोग के मम्मी पापा होंगे वो, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ बालानंद विद्यालय आई एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल। तो बालानंद विद्यालय की तरफ से, बिहाफ ऑफ मीन्स तरफ से, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अवर स्कूल आर्ट फेस्टिवल। तो अभी हम लोग सब जन यहाँ पर क्यों जमा हो गए है, तो क्यों आए हुए है? हमारे स्कूल का जो ये आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए है। तो अभी प्रोग्राम आगे बढ़ा है, लाइटनिंग द लैम्प। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है कि हम लोग सबसे पहले दिया जलाते हैं। कोई गणेश जी की मूर्ति रखता है, कोई सरस्वती की मूर्ति रखता है, तो या फिर कोई ऐसे ही दिया जलाते है। द लाइटनिंग द लैम्प, लेट अस बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विथ समथिंग सिंबोलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा बहुत ही पवित्र और बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऐसा ओकेजन, एक कार्यक्रम है, विथ समथिंग सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो किसका सिंबल है? ये सिंबल है जो दिया हम लोग जलाते हैं नॉलेज एंड लर्निंग का है, ज्ञान और हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसका है। एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दी ऑनरेबल मेंबर्स ऑन दी डायस टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प एंड ऑफर प्रेयर्स। अभी फॉर दिस, इसके लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दी ऑनरेबल मेंबर्स, सब माननीय व्यक्तियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन द डायस जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प, ये जो हमारा पारंपरिक जो लैम्प है उसे आप जलाए, एंड ऑफर प्रेयर्स। फ्रेंड्स लुक एट द अमेजिंग क्वालिटी ऑफ दिस लैम्प। तो अभी ऑडियंस को बोल रहे कि फ्रेंड्स आप देखिएगा ये जो लैम्प की एक अमेजिंग क्वालिटी है, व्हेन लिट नॉट ओनली डज इट कैरी द ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू ब्रेक द डार्कनेस ऑफ द नाइट। अभी ये हमारे दिए की खासियत क्या है, जब भी ये जलता है तो नॉट ओनली डज इट कैरी द ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू ब्रेक द डार्कनेस ऑफ द नाइट, सिर्फ उसमें रात का अंधेरे को ही नष्ट करने की क्षमता नहीं है, बट ऑल्सो लीव्स वे फॉर 1000 अदर लैम्प्स टू बी लिट फ्रॉम द इट्स फ्लेम्स। तो सिर्फ एक अंधेरे को ही नहीं, तो वो अपने तेज से थाउजेंड्स ऑफ अदर लैम्प्स को भी वो जलाता है अपनी ज्योत से। लाइकन टू द लैम्प इज नॉलेज, यानी वो कौन सी लैम्प है, वो है नॉलेज की लैम्प, अपने ज्ञान की लैम्प। नॉलेज टू स्प्रेड्स लाइट, अभी नॉलेज जो होता है, जो ज्ञान है, वो भी क्या स्प्रेड करता है, लाइट स्प्रेड करता है, प्रकाश
स्प्रेड करता है. इट नाइदर डिवाइड्स नोर सब्ट्रैक्ट्स. हम इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते ना इसे हम लोग कम कर सकते हैं. इट ओनली एड्स एंड मल्टीप्लाइज. उसे सिर्फ हम लोग एड कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. इन शॉर्ट, नॉलेज ऐसा है, एक दिए की तरह होता है. हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, जिस तरह से दिया जलकर प्रकाश फैलाता है, अंधेरे को नष्ट कर देता है और उजाले को फैलाता है, उसी तरह से नॉलेज जो है वो भी क्या करता है, जितना देंगे हम लोग उतना वो बढ़ते जाता है. इसके लिए वो ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है, ना कि वो डिवाइड और सब्ट्रैक्ट होता है. मिस अनघा भाटिया ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड हर ग्रुप विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग. तो अभी ये जो बच्चे हैं और उनका जो ग्रुप है वो एक स्कूल सॉन्ग गाएगा, ऐसे उन्होंने बताया. ओके, फिर अभी सॉन्ग वगैरह हो गया. वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट्स. अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बार गेस्ट जो है हमारे उन्हें वेलकम करेंगे, इंट्रोडक्शन यानी उनके बारे में जानकारी देंगे. ठीक है, अतिथि देवो भव. अभी तो तुम लोग को तो पता ही है ये कहावत, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान जो होता है वो भगवान की तरह होता है. अवर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट्स एज गॉड्स. हमारी इंडियन कल्चर में, हमारी इंडियन संस्कृति में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है. लेट अस वेलकम एंड ऑनर अवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और ऑनर करते हैं हमारे जो ये अलग अलग गेस्ट्स आए हैं उनका. इट इज इंडीड अवर प्राउड प्रिविलेज to have admitted us a very eminent personality from the field of art and culture. Abhi, it is indeed our proud privilege. ये एक हम लोगों को बहुत ही proud अधिकार दिया गया है, विशेष ऐसा अधिकार दिया गया है, to have admitted us a very eminent personality. हमारे बीच में कौन आया है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज आई हुई है, प्रख्यात पर्सनालिटीज आई हुई है फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर. तो उनका फील्ड कौन सा है, आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति. रिनोम्ड आर्टिस्ट, अच्छे से जाने माने कलाकार. अ पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, पेंटर भी है. एंड प्राउड रेसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स. अभी वो जो है उन्हें बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए गए हैं. प्रेसिडेंट ऑफ कला राजन एकेडमी, श्री चारू दत्ता दीवान जो है वो प्रेसिडेंट है कला राजन एकेडमी के. आई वुड रिक्वेस्ट अवर प्रिंसिपल टू वेलकम हिम बाय ऑफरिंग अ टोकन ऑफ अवर लव एंड एप्रिसिएशन. तो मैं हमारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें वेलकम कीजिएगा, हमारी एक टोकन दो, ऑफरिंग अ टोकन यानी एक यादगार ऐसे ऑफ अवर लव एंड एप्रिसिएशन, हमारी तरफ से प्यार और एप्रिसिएशन के तौर पर हम उन्हें कुछ नजराना ऐसे देंगे. ओके, बुक्स. तो वो क्या है, बुक्स है, टू वॉल्यूम्स ऑफ चेरिश्ड लाइव्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट्स. अभी बुक्स वो दे रहे हैं उन्हें, तो वो बुक का नाम क्या है, टू वॉल्यूम्स है उस बुक के, ऑफ चेरिश्ड लाइव्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, ये जो है वो बुक का नाम है. ओके, वी आर ऑफरिंग बुक्स बिकॉज Flowers might perish, but books can stay forever. और फिर हम लोग उन्हें बुक ही ऑफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फूल अगर हम लोग देंगे तो वो मुरझा जाएंगे, है ना, लेकिन किताब जो है वो
हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सर, और उन्हें थैंक यू भी कहा है। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द कन्वेनर ऑफ दिस आर्ट फेस्टिवल, जिन लोगों ने मैनेज किया हुआ है ये आर्ट फेस्टिवल, अवर आर्ट टीचर रिस्पेक्टेड मिस शिल्पा संघानी, टू वेलकम द बीकन ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन। अभी बीकन का मतलब ये है इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड पर्सन हु इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर्स। ओके, उन्हें बीकन कहते हैं ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। द प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एकेडमी मिस्टर अवधूत पाठक, कौन है वो? मिस्टर अवधूत पाठक। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इंचार्ज मिस शुभदा मुरारका टू वेलकम अवर एवर इंस्पायरिंग डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी सर। ओके, तो अभी उन्होंने कहा कि वो शुभदा को मैं बोलता हूँ कि हमारे जो डायनामिक यानी जो बहुत ही उत्साही होते हैं हमेशा हमारे जो प्रिंसिपल है, तो डॉक्टर अजिंक्य पारखी सर। ओके, तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इंचार्ज, जो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो इंचार्ज है मिस शुभदा मुरारका, टू वेलकम अवर इंस्पायरिंग, यानी जो हमें हम जिनसे हमेशा इंस्पायर होते हैं वो डायनामिक उत्साही प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्य पारखी सर, अवर एंथुसियास्टिक वाइस प्रिंसिपल डायनामिक एने डैशिंग। ओके, डायनामिक एने डैशिंग एंड एंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही होता है। अवर एंथुसियास्टिक वाइस प्रिंसिपल विल बी वेलकम्ड बाय मिस अनघा भाटिया। थैंक यू डियर अनघा। ठीक है, तो किसने वेलकम किया है? अनघा भाटिया ने। नाउ इंट्रोडक्टरी स्पीच, अभी इंट्रोडक्शन देने वाली स्पीच। टू अप्रेज यू अबाउट द आर्ट फेस्टिवल, आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजिंक्य पारखी टू डिलीवर हीज इंट्रोडक्टरी स्पीच। अभी वो प्रिंसिपल से कहा कि आप अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच दीजिएगा करके, और इसमें बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात की जाती है। ओके, बुक रिलीज। फ्रेंड्स, वी हैव प्रिपेयर्ड हियर अ वॉल्यूम कंप्राइजिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल एंड यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट विच आर डिस्प्लेड टूडे इन द ऑडिटोरियम। तो अभी कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, वी हैव प्रिपेयर्ड हियर अ वॉल्यूम कंप्राइजिंग फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास यहाँ पर तैयार है, ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल एंड यूनिक पीसेस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखे ऐसे पीसेस ऑफ आर्ट जिसमें कला दिखाई गई है, विच आर डिस्प्लेड टूडे इन द ऑडिटोरियम, और उसे हम लोगों ने हमारे ऑडिटोरियम में लगाया हुआ है। दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अवर स्टूडेंट्स। तो ये किसने बनाए हुए है? हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, बहुत ही आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही स्किलफुली कंट्रीब्यूशंस में कंट्रीब्यूशन के साथ उन लोगों ने ये जो अपने फोटोग्राफ्स जो है वो उन्होंने बनाए हुए है। आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन। हमारे जो चीफ गेस्ट है उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बुक को क्या करें, रिलीज करें एंड फॉर्मली इनॉग्रेट द आर्ट फेस्टिवल, और ये आर्ट फेस्टिवल को इनॉग्रेट करें। थैंक यू सर। आई नो दिस हैज
arouse the curiosity in you to see the exhibition. हाँ, मुझे पता है कि अभी आप लोगों के मन में भी ये एग्जीबिशन को देखने का क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, वो उम्मीद या फिर इच्छा, कब हम लोग जाकर देखते हैं ऐसे होता है ना, हम लोग को क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको, तो वो आपके मन में भी आया होगा. आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन टेक दैट प्लेजर, और इस प्रोग्राम के बाद आप लोग उसका भी लुफ्त उठा सकते हैं, उसका मजा भी आप ले सकते हैं. ओके, अभी कल्चरल प्रोग्राम. आई नो यू ऑल आर ईगरली वेटिंग टू लिसन टू द जेम्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम अवर स्कूल. मुझे पता है कि आप लोग ईगरली यानी बहुत ही बेकरारी से वेट कर रहे हैं क्या सुनने के लिए, जेम्स ऑफ म्यूजिक सुनने के लिए. हमारे स्कूल का आप बहुत ही बेकरार है. वी नाउ इनवाइट दिस टैलेंटेड बैंड ऑफ म्यूजिशियंस टू डिस्प्ले देयर टैलेंट. तो अभी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं हमारे स्कूल का सबसे टैलेंटेड जो बैंड है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस जो है, जो म्यूजिक बजाने वाले बच्चों का जो बैंड है, तो वो लोग अपना टैलेंट आप लोगों के सामने पेश करे. We proudly present the ताल कचरी. तो अभी हम लोग आपके सामने ताल कचरी प्रेजेंट कर रहे हैं. साहिल ऑफ स्टैंडर्ड 10A विल गिव अ वोकल रेंडिशन एंड द सेम पीस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. लेट्स एंजॉय द ताल कचरी. तो साहिल जो लड़का है 10A का, वो वोकल रेंडिशन यानी परफॉर्मेंस देने वाला है, और वही सेम पीस जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में बजाया जाएगा. लेट्स एंजॉय द ताल कचरी. वर्षा ऑन मृदंगम, विवेक ऑन ढोलक. अभी कौन कौन क्या क्या बजा रहा है, जुबिन ऑन तबला एंड गोविंद ऑन घाटम. लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर द एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन. तो अभी एक बड़ा राउंड होने वाला है इन लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन का. डिफरेंट स्टेट्स डिस्प्ले देयर यूनिक आइडेंटिटी थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कल्चर. अलग अलग स्टेट्स की एक अलग अलग आइडेंटिटी है, उनके अलग अलग कल्चर है. स्टैंडर्ड 7C विल नाउ गिव अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फेमस कोली डांस फ्रॉम महाराष्ट्र. अभी महाराष्ट्र का जो कोली डांस है बहुत ही फेमस है, वो 7C के जो बच्चे हैं वो लोग हमें दिखाने वाले है. What a wonderful presentation. अभी डांस हो जाने के बाद what a wonderful presentation. कितना अच्छा डांस किया इन लोगों ने. Now a light comedy play will be presented by standard 9C. अभी एक कॉमेडी प्ले जो है वो भी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा. कौन पेश करने वाला है, तो 9C के स्टूडेंट्स जो है वो प्ले यानी नाटक दिखाने वाले हैं. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड 9th आर्टिस्ट टू परफॉर्म देयर प्ले. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको के आप आइए और अपना प्ले परफॉर्म कीजिए. द बॉय कम्स होम बाय ए मिलने. तो प्ले का नाम क्या था, द बॉय कम्स होम. किसने लिखा हुआ था, वो ए मिलने ने लिखा हुआ था. That was indeed a fantastic performance. तो भाई वाकई में ये बहुत ही अच्छा performance था, बहुत ही बढ़िया performance था. अभी prize distribution, जैसे कि आप लोग के annual days में बीच बीच में prize distribution भी होते हैं, programs होते हैं, फिर prize distribution भी होते हैं, है ना. और जिन लोगों को prize मिले रहते हैं उन लोगों को बेचैनी होती है कब हमें हमारा नाम आएगा और कब प्राइज मिलेगा. और जो ताली बजाने वाले होते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा
बोर लगता है, है ना? लेकिन तुम लोगों को तो हर बार मिलता ही होगा प्राइज, आई होप। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। देर आर बटरफ्लाइज इन यूर स्टमक। आपके वो एक कहावत होती है जो खुशी होती है ना बहुत ज्यादा, तो बटरफ्लाइज इन यूर स्टमक यानी तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे होंगे, ऐसा एक कहावत है, ठीक है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ यूअर एंग्जाइटी। अभी बहुत जल्दी ही तुम लोगों को ये जो एंग्जाइटी है, बेचैनी है, बेकरारी है, उससे तुम लोगों को रिलीव मिलने वाला है, यानी राहत मिलने वाली है। एवरी वन इज यूनिक इन हीज और हर पोटेंशियल। हर कोई अपने पोटेंशियल में, यानी हर एक इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक कला होती है, एक आर्ट होता है, कुछ न कुछ कर दिखाने की, है ना, चाहत होती है। ऑल आर टैलेंटेड, यस, बट सम डू परफॉर्म बेटर एंड देयर टैलेंट नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड। तो हर कोई टैलेंटेड है, लेकिन कुछ बच्चे इतना अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो उनके टैलेंट को कुछ तो भी एप्रिसिएशन देने की जरूरत होती है, है ना? आई वुड नाउ इनवाइट द चीफ गेस्ट टू डिक्लेयर द प्राइज विनर्स एंड गिव अवे द प्राइजेस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर्ट। थैंक यू सर। अभी जो चीफ गेस्ट है उन्हें जो विनर है उनका नाम अनाउंस करने के लिए कहा गया है, ओके? और अलग अलग जो आर्ट के जो अलग अलग कैटेगरीज में जो भी बच्चे हैं उन लोगों के नाम, विनर्स लोगों के नाम अनाउंस करने के लिए जो हमारे गेस्ट है उन्हें कहा गया है। नाउ एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। तो अभी चीफ गेस्ट बात करने वाले हैं। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर इलस्ट्रियस चीफ गेस्ट टू एड्रेस द ऑडियंस। अभी चार शब्द कहे हमारे ऑडियंस से, तो चीफ गेस्ट, थैंक यू सर, योर स्पीच हैज गिवन अस वंडरफुल इनसाइट्स। अभी चीफ गेस्ट का भाषण हो गया है तो हम उन्हें बोलेंगे कि थैंक यू वेरी मच, आपके स्पीच से हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है, इनसाइट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर के बारे में और बहुत सारी अलग अलग जानकारी हमें आपके स्पीच में से मिली हुई है। वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनवैल्युएबल वर्ड्स ऑफ एनलाइटनमेंट। तो हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है कि आप लोगों, आपके जो ये इनवैल्युएबल वर्ड्स हम लोगों को हमेशा के लिए काम में आने वाले है, या फिर आगे हमें राह दिखाने वाले है, या फिर हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले है। और फिर एंड में वोट ऑफ थैंक्स। बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन, I take the opportunity to thank all those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful, and for the formal vote of thanks, I invite the convener of this program, our art teacher, Miss Shilpa Sanghani. So, before we draw the curtain, अभी पर्दा नीचे गिराने के पहले, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक, मैं सब लोगों को अपॉर्चुनिटी यानी मौका जो मिला है सब लोगों को थैंक्स बोलने का, ऑल दोज वू हैव लेंट अ हेल्पिंग हैंड, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम लोगों को मदद किया हुआ
है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दिस आर्ट फेस्टिवल मीनिंगफुल एंड फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आई इनवाइट द कन्वेनर, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम मैनेज किया हुआ है इस प्रोग्राम के, अवर आर्ट टीचर मिस शिल्पा संघानी को मैं इनवाइट करती हूँ सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। तो अभी स्टेज पे जो दिख रहे हैं लोग वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा काम करते रहते है। तो सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, जिन जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हेल्प किया हुआ है उन सबको थैंक्स बोलने के लिए मिस शिल्पा संघानी को इनवाइट किया गया है। और इस तरह से फिर थैंक यू विंक यू बोल के सब फिर टाटा बाय बाय बोल के अपने अपने घर में चले जाते हैं। ठीक है, एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये लेसन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल को कहीं पर भी आप लोग को अचानक से कोई भी स्टेज पे खड़ा रहने को बोल देना तो आप लोग को एवर रेडी रहना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो ये लेसन आप लोगों को काम में आएगा जिंदगी भर। ठीक है, क्योंकि सीखा हुआ कभी भी जाया नहीं जाता है क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।